दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आज यानी कि 4 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस के, चाहे वो आपका जीएस का सेक्शन हो, करंट अफेयर्स का सेक्शन हो, मैथ्स का सेक्शन हो या रीजनिंग का हो। तो आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आपका एग्जाम आने वाले टाइम में है तो, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। जीएस और करंट अफेयर्स की बात करें तो उसी तरीके के क्वेश्चंस या रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात किया जाए मैथ्स और रीजनिंग की तो आपके उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको लगातार पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस के सेक्शन की। आपसे पूछा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी जोन क्यों ना हो, आपके गवर्नर और सीएम डेली आपके पूछे जा रहे हैं, गवर्नर और सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे स्टेट्स के गवर्नर और सीएम। तो आपको ज़रूरी है कि आप इन सभी के नाम याद रखो। तो उसके लिए आपको हमने अलग से वीडियो बना के रखी है गवर्नर की भी और सीएम की, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे गवर्नर और सीएम के भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा विदेश मंत्री के बारे में। तो विदेश मंत्री हैं हमारे सुषमा स्वराज। इसके अलावा आपका रक्षा मंत्री हो गया, एडुकेशन मिनिस्टर हो गया, ये सारे भी आपको देख लेने हैं अगर आपका एग्जाम आने वाले टाइम में है तो। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है। तो तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोंगाली पुत्र। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 के बारे में, तो ये मिला था विनोद खन्ना को। फिर हमसे पूछा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल से जैसा कि हमने आपको बोला हर जोन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पूछा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, तो वो हो गए हमारे आनंदी बेन पटेल। फिर हमसे पूछा कि यूएनओ में भारत का प्रतिनिधि कौन कर रहा है, तो सैयद अकबरुद्दीन कर रहे हैं। फिर हमसे पूछा कि एशिया क्रिकेट कप 2018 की मेज़बानी कौन करेगा, तो दुबई आपका हो गया। फिर हमसे पूछा गोवा के राज्यपाल, आपके दो गवर्नर्स हो गए, थर्ड पूछा गोवा के बारे में, तो गोवा के राज्यपाल है मृदुला सिन्हा। फिर नागालैंड के राज्यपाल पूछा तो पद्मानव आचार्य। फिर बात करें तो इसी तरीके से आपको और सीएम की बात करें तो हरियाणा के सीएम आपको ध्यान में रखने, शायद ये भी आपके क्वेश्चन आए थे बट एग्जैक्ट हमें नहीं पता चल पाया तो इस कारण हमने वो नहीं करवाया। सीएम ऑफ हरियाणा, सीएम ऑफ पंजाब आपसे कल भी पूछा था, हरियाणा का भी कल पूछ चुका था। फिर आपसे उत्तराखंड के राज्यपाल, तो आपके राज्यपाल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा और सीएम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन सारे को अच्छे तरीके से देख लो। नेक्स्ट बात की जाए तो हमसे पूछा लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 70। फिर हमसे पूछा कि खेलो इंडिया जो स्कूल गेम होगा उसने किसने स्वर्ण पदक जीता, तो अनु कुमार ने जीता। ये कहाँ की थी, अनु कुमार जी कहाँ के, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था, तो ये हमारे उत्तराखंड के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन करें मनुष्य का सर्वप्रथम पालतू जानवर, तो कुत्ता हो गया। फिर हमसे पूछा प्रिज्म में प्रकाश का विभाजन कैसे होता है, तो वर्ण विक्षेपण हम उसे कहते हैं। फिर हमसे पूछा कि 5 फरवरी को किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया, तो मालदीव के राष्ट्रपति ने 5 फरवरी को आपातकाल घोषित किया। फिर हमसे पूछा कि संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 किन्हें मिला, तो निरंजन मिश्र को मिला। फिर हमसे पूछा कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है, तो तापमान पर आधारित होती है। बात करें तो भूकंप तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो अनिर्धारित तरंग है। फिर हमसे पूछा कि वास्को डिगामा जो है केरल में कहाँ उतरा था, तो कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। फिर वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर हमसे पूछा कि संविधान के अस्थाई अध्यक्ष के बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हमसे पूछा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3×10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। फिर हमसे पूछा डायनेमो का कार्य, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। फिर आपको और भी क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको बताया कि सीएम और गवर्नर से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि हम बात करें आपसे पूछा पंजाब, सीएम ऑफ पंजाब आपसे पूछा। फिर आपसे उसी तरीके से और भी क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपसे पूछ लिया सीएम ऑफ हरियाणा। तो ये सारे आपको हमने प्रीवियस में, ये सारे जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम आपको इसलिए नहीं बता रहे बिकॉज अगर आप डेली एनालिसिस देख रहे होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस हमारे पते होंगे। गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, ये तीन क्वेश्चन जो है हमारे रिपीटेड हैं और तीनों क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवा चुके हैं। फिर बात करें तो ये तो थे हमारे जीएस के सेक्शंस, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। करें अगर 1 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, तो हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2017 बोला और 1 जनवरी 2018 बोला, तो एक ईयर का डिफरेंस है तो एक दिन का भी डिफरेंस हो जाएगा, तो सोमवार था तो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 मई 1995 को कौन सा दिन था, तो हम इसे निकाल लेंगे 10
प्लस मई के लिए कोड हो गया 2 एंड 1900 के लिए सेंचुरी कोड 0, 95 के लिए 95 और लीप ईयर हमारा 23 डिवाइडेड बाई 7। 23 को 7 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर, 95 को किया 4 रिमाइंडर, 10 को किया 3 रिमाइंडर। 3 2 5 और 9 2 11 या फिर हम कह सकते 3 2 5 2 7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया 4 रिमाइंडर। 4 रिमाइंडर यानी कि कौन सा दिन था, तो वेडनसडे था। इसी तरीके से आपको कैलेंडर पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस बना के रखनी है। फिर बात करें, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए एवं दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे। तो इसके लिए आपको इसके पूरे डायग्राम देख लेने हैं। इस तरीके से हमने बना दिया, ऊपर नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया एंड वेस्ट हो गया। फिर ये हमारे बीच में क्या आ गई, तो नॉर्थ ईस्ट हो गई। इधर हम देखें तो इधर हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट हो गया, इधर देखें तो हम इसे कह सकते हैं साउथ वेस्ट हो गया और ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट हो गया। अब आप देखो, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को हम नॉर्थ कह रहे हैं, यानी एक बार आपको घूम रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं, तो फिर से हम एंटी क्लॉक ही जा रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे, तो फिर से एंटी क्लॉक जाएंगे, तो पूर्व कहेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट यानी कि पूर्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि कार, स्कूटर और घड़ी का वेन डायग्राम, तो कार का ना ही स्कूटर से कोई ताल्लुकात है ना ही घड़ी से, तो इसका वेन डायग्राम इस तरीके का बनेगा। फिर हमसे पूछा आपको सैलोरिज्म का क्वेश्चन है कि सभी घर सफ़ेद हैं और कुछ सफ़ेद मोर हैं, आपको निष्कर्ष भी दे के रखा है, तो हम सबसे पहले इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कह रहे सभी घर सफ़ेद है, तो ये हाउस हो गया और ये हमारा सफ़ेद यानी वाइट हो गया। कह रहे कुछ सफ़ेद मोर है, तो इस तरीके से। अब कह रहे कुछ मोर घर है, तो नहीं कुछ मोर घर नहीं है, कोई मोर घर नहीं है, ये भी नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये नहीं कहना है कि दोनों में से कोई नहीं है। आप देख रहे हो एक कुछ का स्टेटमेंट है, एक कोई का स्टेटमेंट है, और हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि इन दोनों में ताल्लुकात है या नहीं। तो या तो कुछ मोर घर होगा या कोई मोर घर नहीं होगा, तो या तो एक या दो सही है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है क्लर्क को अगर हम ई ओ आई डब्ल्यू क्यू लिखेंगे तो टेबल को क्या लिखेंगे। तो हम क्लर्क का नंबरिंग देखें, सी का 3, ई का 5, L का देखा तो L का कितना होता है, तो 12 होता है, O का 15 होता है, E का 5 होता है, I का 9 होता है, R का 18 होता है एंड W का 23 होता है। K का होता है हमारा कितना, तो K का होता है आपका 11 एंड Q का होता है 17। तो हम देख रहे हैं कि एक बार दो का डिफरेंस गया, फिर तीन का गया, फिर चार का गया, फिर पाँच का गया, फिर छः का गया। तो इसी तरीके से डिफरेंस देख लेंगे तो T है, T 20, 20 में दो जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा B, ए में हम 3 जोड़ेंगे तो ए का होता है 1, तो हमारा 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा डी। बी का होता है 2, 2 में हम 4 जोड़ेंगे तो 6 यानी कि एफ। एल का होता है 12, 12 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 5, तो 12 5 17 यानी कि क्यू। ई का हमारा क्या हो गया, तो ई का 5 होता है, 6 जोड़ेंगे तो 5 प्लस 6 11 यानी कि हमारा हो गया के, तो हमारा आंसर हो गया भी डी एफ क्यू के। नेक्स्ट हमारा है सीरीज से 8 है, 20 है, 25 है, 32 है, सीरीज नहीं, ये आपका ऑड वन आउट है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सबसे अलग कौन सा होगा, तो आप देख रहे हो 8 की बात करें, 20 की बात करें, 25 और 32 की, तो सबसे अलग 25 है। कैसे, तो एक तो ये ऑड नंबर है, बाकी सारे इवेंट है। फिर देख रहे हैं सारे 4 से डिविजिबल है, बस 25 नहीं है, या फिर हम देखें तो ये हमारा होल स्क्वायर है। इस तरीके से आप कुछ भी इसमें रूल लगा सकते हो। फिर बात करें तो हमसे पूछ रहा है रैक्स का दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज पूछ रहा है किसका, तो आर ए एक्स का, तो मिरर इमेज निकालेंगे तो एक्स ए एंड आर हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। फिर बात करें तो फिर हमसे पूछा है सीरीज का क्वेश्चन है कि 21 है, 29 है, 38 है, 48 है, 59 है, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो हम डिफरेंस देख रहे हैं, एक बार 8 का डिफरेंस, एक बार 9 का, एक बार 10 का, एक बार 11 का, तो नेक्स्ट जाएगा 12 का, तो ये हमारा हो जाएगा 71, तो इसका आंसर हो गया 71। फिर आपका एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा था, आपका क्वेश्चन था इस प्रकार से कि ए बी का भाई है, तो हम इसका डायग्राम बना लिए, ए बी का भाई है। फिर कह रहा है सी बी की माँ है, तो सी बी की माँ हो गई, और कह रहा है डी बी का बेटा है, डी बी का आपका बेटा हो गया, सन हो गया, इस तरीके से। फिर कह रहा है ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, तो हमसे पूछ रहा है सी और बी का संबंध, आपसे पूछ रहा है सी और बी का संबंध, सी का बी से क्या संबंध है। तो बी के बारे में हम ये नहीं जानते लड़का है या लड़की है, तो हम कह सकते हैं सन या डॉटर, और अगर सन या डॉटर आपके ऑप्शन में नहीं है, आप
बाय द वे सन या डॉटर हमारे ऑप्शन में नहीं रहे। अगर अलग से आपको सन या अलग से डॉटर रहे तो वो आपको नहीं देखने हैं। अगर सन या डॉटर दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में नहीं रहे तो आपका आंसर जाएगा कहाँ, तो कांट बी डिटरमाइंड में चला जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, कि इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। करें डिस्काउंट से क्वेश्चन देके रखा है, कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 810 रुपया हो तथा उस पर 12% का छूट दिया गया हो तो वस्तु का हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है कोई वस्तु है उसका आपको अंकित मूल्य दे रखा है, आप मार्केट में कोई वस्तु खरीदने जाते कोई तो उसमें आपको टैग्ड होता है एक प्राइस, उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। अब दुकानदार बोलता है कि इसमें हम आपको इतना परसेंट का डिस्काउंट देंगे तो वो जो सेल करता है उसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य 810 रुपया, कह रहा है उसमें 12% का छूट देते यानी 88% में बेचते तो 810 का 88% निकाल देंगे वही हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया और 88 में 81 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 88 में अगर हम 81 को मल्टीप्लाई करें तो 7128 आता है, 7128 रुपीज़। और यहाँ पे आपका एक पॉइंट है तो 712.8 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा अगर 810 रुपये की वस्तु पे 12% का छूट दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1051 में कौन सी संख्या जोड़े कि वह 33 से पूर्णतः विभाजित हो। कह रहा है एक संख्या है 1051, कह रहा है उसमें हम कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि वो 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 33 को हम फैक्टर करेंगे तो 11 और 3 के फैक्टर्स में होते हैं यानी 11 और 3 दोनों से डिवाइड होने चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 से देखते हैं क्योंकि 3 हमारा छोटा है तो हम देखें 5 1 6 1 7 आ रहा है तो अगर ऐड करके 7 हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए 7 + 2 9 हमें लाना पड़ेगा तो 1053 होता है। अब 1053 को हम देखेंगे 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप इसे चेक करोगे तो 11 99 किया 6 3 नहीं है हमारा डिविजिबल। तो अब हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, तो 1051 में हम 3 और जोड़ के 5 ऐड कर देंगे तो 1056 आ गया। इसे आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 से डिवाइड करने का हमारा क्या रूल होता है, एक एक छोड़ के ऐड करके फिर माइनस करना, तो 5 1 6 और 6 - 6 हमारा होता है 0 और तो ये हमारा 11 से डिविजिबल है। पिछले में हम देख रहे थे 6 - 3 3 आ रहा था तो ये 11 से डिविजिबल नहीं था यानी हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो हमें 33 से डिविजिबल के लिए आपको 5 ऐड करना पड़ेगा तो वो हमारा कितने से डिविजिबल होगा, तो 11 और 3 यानी कि 33 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। कह रहा है कि कोई सप्तभुज है तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि कोई भी हमारी कितनी भी भुजाएं क्यों ना हो उसके आंतरिक कोणों का योग होता है 2n - 4 × 90। तो सप्तभुज कह रहा है तो 2 × 7 - 4 × 90 तो ये हमारा हो जाएगा 14 - 4 × 90 तो 10 × 90 यानी कि 900 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको ये इस तरीके के क्वेश्चंस के बस फॉर्मूले याद रखने 2n - 4 × 90 और ये आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना इसकी बनी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है मेंसुरेशन से, कह रहा है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि लंबाई को 40% तथा चौड़ाई को 25% बढ़ाएं और सभी दीवारों का क्षेत्रफल समान हो तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कह रहा है कोई कमरा है उसके लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट की रेशियो दे रखी है कितना, तो 5, 4 और 2। कह रहा है कि लंबाई को हम 40% बढ़ाते हैं तो अगर 5 में हम 40% इंक्रीज करेंगे तो 5 × 140/100 007 टाइम्स या 5 टाइम्स तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। अगर लंबाई में 40% इंक्रीज कर रहे हैं हम रेशियो सेम रख रहे हैं तो 7, और अगर चौड़ाई में आपसे क्या बोल रखा था कि चौड़ाई में 25% इंक्रीज करता है तो हम 4 में 25% करेंगे 4 × 125/100 तो 25 टाइम्स एंड यहाँ 5 तो ये हमारा 5 आ गया। अब कह रहे हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल दोनों कंडीशन में सेम है तो पहले कंडीशन में चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता कितना है, तो 2 × L + B × H। तो पहले कंडीशन में ये कितना आ जाएगा, तो L + B यानी कि 5 + 4 × हमारा हो जाएगा 2, और दूसरे कंडीशन में 2 × L + B यानी 7 + 5 × height हमें नहीं पता है तो 2 × 9 × 2 आ गया। अब ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, अब हमारे पास हो गया 7 × 5 = 12 × H = 9 × 2 तो ये हम H निकालेंगे तो 9 × 2 / हमारा आ जाएगा 12। 9 × 2 / 12 हो गया अगर हमारा, तो हम इसमें टोटली सॉल्व करेंगे 6 times किया 2 times किया 3 times किया तो हाइट हमारी आ गई 3/2। अब हमसे कह रहा है कि आयतन में कितनी वृद्धि होती है तो हम दोनों की आयतन निकालेंगे तो फर्स्ट का हम अगर
आइटम निकाले तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी 5 × 4 × 2 तो 5 × 20 = 40 हमारा आ जाएगा। और दूसरे का निकाले तो दूसरे का हमारा हो जाएगा 7 × 5 × ऊंचाई हमने निकाला 3/2 तो ये हमारा कितना होगा तो 105/2 यानी 52.5। हमसे पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि होगी तो हम परसेंट निकालने के लिए इन दोनों में माइनस कर दिया तो 12.5। तो 12.5 डिवाइडेड बाई कितने से तो 40 से मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। अब हम आसानी से इसका परसेंट निकाल देंगे, पॉइंट हटाया, जीरो बैठाया, 0 0 कैंसिल कर दिया तो ये हमारा कितना आ गया तो 31.25% की वृद्धि होगी। तो हमने इसमें थोड़ा सा आपको ये लेवल थोड़ा सा टफ किया तो आपको इस मेथड के भी क्वेश्चन पता होने चाहिए। सबसे पहले हमने 40% और 25% इंक्रीज करके चारों दीवारों को क्षेत्रफल समान करके पहले हाइट निकाला, उसके बाद दोनों के आयतन निकाल के उसमें परसेंटेज इंक्रीजमेंट निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉडमास से है, कह रहा है आपको 138 डिवाइडेड बाई हमारा है 35 माइनस 53 माइनस 89 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 9 होता है 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 6 इस तरीके से है हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा 138 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 53 माइनस 8 6 कितना होता है तो 48 और 89 में से 48 को घटाएंगे तो 1 और 41 हो गया इस तरीके से। तो 138 डिवाइडेड बाई 35 माइनस हमारा हो गया, अगर हम 53 में से 41 को घटाएंगे तो 12 तो ये हमारा हो गया 138 डिवाइडेड बाई 23 और 23 में हम कितने डिवाइड करेंगे 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 138 आता है तो इसका आंसर हो जाएगा 6। बहुत ही सिंपल था। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पे पूरे पकड़ बनाने हैं कि आपको कहीं पे भी सॉल्यूशन में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वॉडमास से आपके वॉडमास और सिंप्लीफिकेशन मिला के 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला कि 0.9 का वर्गमूल। अब यहाँ पे कहीं से हमें पता चला है 0.09, कोई बोल रखे 0.7 का वर्गमूल। तो सबसे पहले 0.09 का देख लेते हैं, इसका वर्गमूल हमारा इजी है 3/10 यानी 0.3 आ जाएगा। बट अगर बात करें हम 0.9 की तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखने हैं। अगर हमारा रहे अंडर रूट एक्स माइनस वाई तो इसका आपको एक फॉर्मूले होते हैं, आप उस फॉर्मूले पर फोकस कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अंडर रूट एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2√x। तो आपको इसी के बेसिस पे इसे बनाना होगा कि हमारा x रूट में जाए और y रूट में नहीं जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस 0.1 कह सकते हैं। अब 1 का रूट तो हमें पता है तो रूट 1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 2√1 हो जाएगा तो 1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यहाँ से 0 हमारा कैंसिल हो गया तो 20 माइनस 1 यानी 19 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारा आ जाएगा 0.95। इसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन रहे कि हमारा क्वेश्चन अगर बाय द वे हमारा रहता 0.7 तो ये हमारा हो जाता 1 माइनस 0. हमारा कितना हो जाता 3, 1 माइनस 0.3 करते तो ये हमारा हो जाता 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई सॉरी 2 हो जाता, 2 × 1 हो जाता तो ये हमारा हो जाता कितना तो 1 − 3/20। तो इसे हम टोटली सॉल्व करेंगे तो 17/20 आने जा रहा है, इसे हम कह सकते हैं 0.85 आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट बात करें तो एक अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा है कि a प्लस 1/a इक्वल टू 5 है तो aq प्लस 1/aq इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हम इसे देख लेते हैं कि अगर a प्लस 1/a इक्वल टू 5 हो तो aq प्लस 1/aq इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमें पता है इसका फॉर्मूले, हमें पता है a प्लस 1/a इंटू हमारा क्या हो जाता है तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 3। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 25 माइनस 3। अब हम करेंगे तो 5 × 22 तो आ गया 110। अब बात कर लेते हैं कुछ चैप्टर्स की, किस कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जाम में डेली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एलजेब्रा, एलजेब्रा से जैसा कि हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर बात करें तो फिर आपका एक आता है ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ट्रायंगल के क्वेश्चन हमारे पास नहीं पहुँच पाए। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बात की जाए तो और आपके क्वेश्चन स्क्वायर रूट से पूछे जा रहे हैं जो कि हमने आपको ऊपर ही बता दिया स्क्वायर रूट हो गया। फिर आपसे पूछे जा रहे हैं सीआई एंड एसआई से 5 क्वेश्चंस तो इस पे आपको पकड़ बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें तो टाइम और स्पीड एंड डिस्टेंस,
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपका इसी तरीके से इसी से रिलेटेड चैप्टर होता है बोट एंड स्ट्रीम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं आपके। फिर उसी तरीके से बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा चैप्टर, फिर आपका हो गया वी बॉट मास एंड सिंप्लीफिकेशन। हमने आपको ऊपर ही बताया कि इससे आपके चार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, वी बॉट मास और सिंप्लीफिकेशन से हमारे चार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके से बात करें तो टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क हो गए, पाइप एंड सिस्टर्न हो गए, ये सारे चैप्टर है जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन में आज आपको क्यूबाइड पूछा है, कभी आपको शंकु पूछ लेता है। फिर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे थे हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक से।